तो न केवल सबसे बड़ी कवरेज बल्कि जानकारी भी और लगातार मदद की पहल भी। नमस्कार, मैं हूं सचिन। लगातार ये कवरेज जारी है। कानपुर के पास पुखराया में हुआ रेल हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। 76 यात्रियों की हालत गंभीर है, क्रिटिकली इंजर्ड है, अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। 150 यात्रियों को मामूली चोट आई है, घायल हैं वो। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा हादसे का जायजा लेने मौके पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा S1 और S2 कोच को नुकसान पहुंचा है। जो 14 कोच क्षतिग्रस्त हैं उनमें पटना के लिए 161 यात्रियों ने स्लीपर और 74 यात्रियों ने AC में रिजर्वेशन कराया था। ट्रेन आखिर पटरी से उतरी कैसे, इसकी जांच जारी है। रेल मंत्री मौके पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि वो निकल चुके हैं, जल्द ही वो भी पहुंच जाएंगे। सेना लगातार वहां पर पहुंची हुई है। सेना, NDRF और रेलवे पुलिस, RPF, मौके पर बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। PM ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के रिश्तेदारों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे मृतकों के रिश्तेदारों को 3.5 लाख रुपए देगी। यूपी सरकार मृतकों के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपए देगी। मध्य प्रदेश सरकार मृतकों के रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए देगी। नाम व्यक्त करते हैं। आपके जाने का कार्यक्रम है सर, आप कल जाने का? मैं ऑलरेडी गए हुए हैं, मनोज जी गए। सर, मुरली मनोहर जोशी ने एक बयान दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये केंद्र के खिलाफ साजिश तो नहीं है ये हादसा। इसकी जांच तो होगी ही होगी, कोई भी एक्सीडेंट होता है उसकी जांच तो होगी, और मैं समझता हूँ कि शायद जांच का आदेश हो भी गया हो, लेकिन जांच तो होगी कि कैसे ये दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण है, इसकी जांच होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, सुनते हैं। घटना जो हुई है वो विषय जांच का है कि घटना क्यों हुई, कैसे हो गई, उस पर अभी टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। अभी पहले लोगों को बचाना, जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे, और इलाज और जो गंभीर घायल हैं उनकी भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। जो घटना कानपुर में हुई है, कानपुर देहात में, बहुत ही दुखद घटना है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ये सुबह सुबह जो घटना हुई, लोग सो भी रहे होंगे और उस समय अचानक ये घटना हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर। जब सूचना मिली मुझे कि नुकसान हुआ है, उसी समय वहां के संबंधित अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि जाकर के जो प्राइमरी मदद हो सकती है करें। मौके पर DM, मौके पर पुलिस कप्तान, मौके पर IG, मौके पर कमिश्नर और जितनी भी आसपास एम्बुलेंस हो सकती थी, जो कम समय में पहुंच सकती थी, वो पहुंचाने का काम किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके या ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। वहीं कानपुर से सांसद हैं मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी ने रेल हादसे की जांच की मांग की है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि क्या रेल की पटरी टूटी या फिर ये केंद्र के खिलाफ साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में इस तरह का बड़ा हादसा जब होता है तो 100 के लगभग लोगों की मृत्यु होना ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। इस दूसरी बात यह है कि 14 पटरियों के उलटने का, 14 उनका बोगियों के उलटने का ये क्या कारण हो सकता है? कई बार एक दो बोगी उलटती हैं किसी जर्क के कारण से, या किसी वो जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसके ढीले हो जाने के कारण से, लेकिन एकदम 12-14 बोगियों का पटरियों से उतरना, ये अपने आप में इस बात की शंका करता है कि क्या या तो ट्रैक टूटा है या कोई उसके पीछे केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को बदनाम करने के लिए कोई कोशिश की गई है, क्या बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। यूपी में उस बड़े रेल हादसे पर पूर्व रेल मंत्रियों की अलग अलग राय है। रेल मंत्री रह चुके रामविलास पासवान ने हादसे पर दुख जताया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, तो पूर्व रेल मंत्री और TMC नेता दिनेश त्रिवेदी ने रेलवे के ही पटरी से उतरने की बात कही। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय ने रेल बजट पर ही सवाल उठाए। सवेरे 3 बजे की घटना है, पटना इंदौर एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश में टिडेल हो गई और हम जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री ने स्वयं इस पर बहुत ही गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जितने जख्मी हुए हैं उनका इलाज ठीक से हो। किसी को खून की आवश्यकता होगी, किसी को लिम खट गया होगा, तो ये वक्त नहीं है कि हम कहें कि गलती किसकी है। मेरे हिसाब से ये एक रेल का डीरेलमेंट नहीं हुआ है, मुझे लगता है पूरी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन डीरेल हुई है। वी आर फील सॉरी फॉर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम्स, सो आई गिव माय डीप कंडोलेंस टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन हु हैज बीन डाइड इन द रेल एक्सीडेंट। But the cause is not yet been ascertained. So let the cause be ascertained, then we will give our comments. और सीधा इस वक्त विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ठीक घटना वाली जगह से, और पटना से ब्रजेश भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, सबसे पहले इससे पहले कि मैं ब्रजेश के पास जाऊं, क्योंकि उनके पास कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अपनों की तलाश कर रहे हैं, संक्षिप्त में बता दीजिए इस वक्त क्या चल रहा है, कुछ और रेस्क्यू आगे बढ़ा है, कुछ लोगों को और निकाला गया? बिल्कुल सचिन, अब से थोड़ी देर पहले ही एक और लोगों को निकाला गया जिनको अभी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया है, जो कि यहाँ पर जिला मुख्यालय पर अस्पताल है माटी का, वहाँ भेजा गया है। और अब से थोड़ी देर पहले ही रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा घटनास्थल पर पहुँचे थे, वो उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है, फिलहाल वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। और इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं जो एम्बुलेंस आप बाईं तरफ खड़ी हुई देख रहे हैं, अभी S1 को जो कि सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है उसमें से इनको निकाला गया और इनको लेकर जाया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, यहाँ पर 100 की तादाद में एम्बुलेंस फिलहाल मौजूद है। और हम एक बार आपको अगर पीछे दिखाएंगे अपने, तो ये वही कोच है आप देखिए जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह डैमेज हुए हैं, S1 S2, अभी भी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। B3 जो AC कोच था उसमें भी अभी कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो लगातार यहाँ पर सेना के जवान लगे हुए और NDRF की टीम लगी हुई है जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा सचिन, यहाँ पर वो लोग आने शुरू हो गए हैं जिनके लोग सफर कर रहे थे इंदौर से लेकर पटना के बीच में, अलग अलग स्टेशनों के बीच में उनके लोग यहाँ पर जो परिजन है वो आने शुरू हो गए उनकी तलाश में, क्योंकि कई लोग मिल गए हैं, कई लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कई लोगों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं विशाल, और एक बार पटना का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पटना बहुत से मुसाफिरों ने जाना था तो वहां पर भी कई रिश्तेदार पहुंचने लगे हैं। ब्रजेश सचिन, बिल्कुल, और जो विशाल बार बार जिक्र कर रहे थे अभी लाइव में कि S1 बोगी से अभी कुछ घायलों को या निकाला, सबसे क्षतिग्रस्त S1 बोगी S2 हुआ, इनके परिजन है हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। कौन सफर कर रहा था आपका? मेरे मामा मामी सफर S1 में कर रहे थे। S1 में थे जी। आप तस्वीर देखते हैं दोनों मामा मामी क्यों गए थे वहाँ पे? उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के जी। अच्छा, तो आप उनके फोन पे लगाए? फोन लगाए सुबह आधा घंटा रिंग होने के बाद करीब एक आर्मी वाले ने उठाए फोन को, उन्होंने हमें बताया कि ये आधा घंटा बाद कॉल करिएगा जब बोगी का सफाई चल रहा है। आधा घंटा बाद जब मैंने कॉल किया तो रिंग हुआ पर कोई फोन नहीं उठाया, और अभी स्विच ऑफ बता रहा है फोन। तो यहाँ जो हेल्पलाइन हेल्प डेस्क बनाया गया है, तो आपको आए तो कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, यहाँ जानकारी तो उनकी नहीं मिल पा रही, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को जाने के लिए व्यवस्था किया है कानपुर जाने के लिए। तो ऐसे तमाम बहुत सारे लोग सचिन यहाँ पे आ रहे हैं जिनके परिजन वहाँ पे या तो घायल हैं या फिर उनको खुद पता नहीं है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। हालांकि यहाँ पे रेलवे विभाग ने पटना जंक्शन पे ही जो भी परिजन जाना चाहता है उसके लिए फ्री पास वो इसका इंतजाम किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार चार्ट अपडेट किया जा रहा है, जो भी घायल हैं उन लोगों का चार्ट यहाँ पे लगातार अपडेट किया जा रहा है, और बकायदा यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिहार सरकार ने रेल IG और साथ में होम डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो वरीय अधिकारी हैं उनकी टीम को कानपुर भेजा है चार्टर्ड फ्लाइट से,
ताकि वहाँ पे रेल अधिकारियों के साथ वो संपर्क में रहे और कोऑर्डिनेट करते रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है घायल कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है ब्रजेश, बहुत जरूरत है इस वक्त, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त उनके रिश्तेदार जिन्हें जिनका पता नहीं लग पा रहा है कि वो अस्पताल में है, घायल है, उनके बीच है भी या फिर नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरी है और आपस में समन्वय तभी लिए बनाया जा रहा है। हम भी लगातार नंबर्स पर ये फ्लैश भी कर रहे हैं और लोगों को जितनी हो सके मदद करने की कोशिश भी, जानकारी देने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।